गुड मॉर्निंग एवरीवन। एज वी हैव ऑलरेडी कंटिन्यूड विद अवर सेकंड लेसन ऑफ हिस्ट्री दैट इज न्यू किंग्स एंड किंगडम्स। टिल नाउ वी हैव डिस्कस्ड हाउ न्यू किंगडम्स अराइज ड्यूरिंग दिस पीरियड, व्हाट वर देयर पोजीशन बिफोर केम टू पावर, एंड देन आफ्टर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट ए मेजर किंगडम ऑफ साउथ दैट इज सोल, एंड वी रीड अबाउट द अचीवमेंट्स लाइक द ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स, व्हाट वाज द एडमिनिस्ट्रेशन एंड द कंडीशन ऑफ द टेम्पल्स, हाउ दे बिल्ड न्यू टेम्पल्स एंड व्हाट वर द डिफरेंट प्रोफेशंस अराइज अराउंड दोज टेम्पल्स, देन आफ्टर देयर मेजर अचीवमेंट्स रिगार्डिंग द इरिगेशन फैसिलिटीज टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर। नाउ वी आर गोइंग टू रीड अबाउट देयर एडमिनिस्ट्रेशन। अब तक हमने जो पढ़ा खेती का विकास उन्होंने कैसे किया, मंदिरों का निर्माण किया, उनके आसपास कौन कौन सी फैसिलिटीज डेवलप हुई, किस प्रकार वो कल्चर इकोनॉमिक और सोशल चेंजेस का सेंटर बन गए थे, अब हम पढ़ेंगे प्रशासन कि पूरा प्रशासन या शासन कैसे चलता था, किस प्रकार उसको डिवाइड कर रखा था सोल एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान, प्रशासन के दौरान। अब जैसे इरिगेशन की फैसिलिटीज बढ़ी, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, तो जो हमारे पास जो पीजेंट वर्ग था, किसान वर्ग था, उसकी क्या है इनकम बढ़ी, दे बिकेम प्रोस्पेरियस, वो थोड़े से और प्रोस्पेरियस हुए, और जो ग्रुप ऑफ सेटलमेंट ऑफ द पीजेंट्स, जो गांव के जो लोग खासकर किसान वर्ग से थे, सामान्य लोग थे, उनके जो समूह था उसको बोलते थे आर। जो पीजेंट्स की असेंबली होती थी, किसानों का ग्रुप था, उसके लिए वर्ड करते थे आर इस्तेमाल हो रही। धीरे धीरे प्रोस्पेरियस कैसे हुए, जैसे इरिगेशन बढ़ी, प्रोडक्शन बढ़ा, प्रोडक्शन बढ़ा, उनकी इनकम बढ़ी और ज्यादा प्रोस्पेरियस समर्थ होते चले गए। अब कई सारे गांव का ही, जैसे सभा केवल गांव के लोगों की थी, किसान वर्ग थी, इसी प्रकार कई सारे गांव की सभा जब मिलकर एक बड़ा रूप ले लेती, जैसे आजकल हम डिस्ट्रिक्ट बोल देते हैं, तो उसको बोला गया नाडू। यानी प्रशासन का काम पहले गांव में अलग अलग सभाएं थी, हमने एक ही पढ़ी है, इसके बाद बाकी पढ़ेंगे। इसी प्रकार गांव के समूह को बोला गया नाडू, जैसे आज डिस्ट्रिक्ट बोल देते हैं, और उसका काम क्या था, काउंसिल ऑफ विलेज, गांव की जो परिषद होती, वहां के जो सिलेक्टेड लोग होते, उसके साथ साथ जो पूरे इतने सारे गांव का एक समूह होता, उसकी अलग से परिषद होती, जैसे आजकल जिला परिषद बोलते हैं हम, तो ये मिलकर डिसीजन लेते, जिसके बारे में जस्टिस टू डिस्पेंस जस्टिस की न्याय प्रदान करना, अगर कोई इश्यू कोई डिस्प्यूट अराइज हो जाए, और दूसरा इनका काम था टू कलेक्ट टैक्सेस, कि कहां से किस प्रकार टैक्स वसूला जाएगा, ये काम भी नाडू, यानी गांव की परिषद, गांव के मुखिया, गांव के महत्वपूर्ण लोग, और उसके साथ साथ कई गांव की एक सभा होती, जैसे आजकल जिला परिषद, उसके लोग मिलकर डिसीजन लेते कि न्याय किस प्रकार प्रदान करना है और टैक्स कहां से किस प्रकार वसूले जाएंगे। अभी तो प्रोस्पेरस सेक्शन था, इन्हीं में से एक महत्वपूर्ण था वेलाला, ये कास्ट है पीजेंट्स की, किसान वर्ग में कास्ट थी, तो सबसे ज्यादा प्रोस्पेरस, सबसे ज्यादा पैसा जिनके पास आया, और इनका प्रभाव डिसीजन में बहुत ज्यादा होता था, ये जो नाडूज के डिसीजन होते आइदर रिगार्डिंग जस्टिस और टैक्सेस, दे वर इन्फ्लुएंस्ड बाय द वेलाला कास्ट, तो इसका इतना प्रभाव था कि इनसे ये डिसीजन प्रभावित होते थे, इनका पूरा प्रभाव होता था इनके डिसीजंस में। उसके साथ साथ राजाओं ने भी जब इनकी इंपोर्टेंस को पहचाना अकॉर्डिंग टू देयर वेल्थ, क्या क्या मदद मिलेगी इनकी, तो उनको बड़े बड़े टाइटल दिए गए, मुवेंड वेलम, मुवेंड वेलम, इस टाइटल का मतलब क्या था, ए पीजेंट हु सर्व इन थ्री किंगडम्स और थ्री किंग्स, तीन राजाओं के दरबार में सेवाएं देता हो, यानी इतना पैसा था, हर जगह उसकी इंपोर्टेंस थी, इस प्रकार के टाइटल दिए गए। दूसरा अरे यार किसके लिए देगा, चीफ मुखिया के लिए वर्ड इस्तेमाल किया गया। अब ये तो था हमने पीजेंट वर्ग के लिए पढ़ा, अब उसके बाद दूसरा जो हमारे पास ग्रुप था वो सभा, सभा किसके लिए वर्ड इस्तेमाल किया गया, ब्राह्मण्स, जो ब्राह्मण थे उनका ग्रुप था गांव में। आपने ये पढ़ा था ब्राह्मणों को राजाओं के द्वारा जमीन दान दी जाती थी, देवर ग्रांटेड लैंड बाय द किंग्स बिकॉज देयर वर प्रशस्तीज, क्योंकि प्रशंसा में लिखते थे राजा की, तो उनको जमीन, और जो जमीन ब्राह्मणों को दान में दी जाती उसको क्या बोला जाता, ब्रह्मदेह, ब्राह्मणों को दी जाने वाली जमीन ब्रह्मदेह। तो इस प्रकार ब्राह्मणों को जमीन दी गई दान में, तो बहुत सारे ब्राह्मण एक ही जगह पर आसपास रहने शुरू हो गए, उनका जो ग्रुप बना उसके लिए वर्ड इस्तेमाल किया गया सभा, यानी ब्राह्मणों का जो गांव में समूह होता उसको बोला गया सभा, जो उनकी डिसीजन लेने के लिए एक कमेटी, एक ग्रुप बनता उसके लिए। उसके बाद तीसरी इसी प्रकार प्रशासन की कमेटी, पहला हमने गांव के लिए पढ़ा तो सामान्य जो हमारे पास विलेजर्स थे उनके लिए, दूसरा हमने पढ़ा ब्राह्मणों के लिए, तीसरा हमारे पास जो व्यापारी वर्ग था द ट्रेडर्स के लिए, जो व्यापारियों का समूह होता उसके लिए वर्ड इस्तेमाल किया नगरम्स, यानी जो व्यापारियों का समूह था गांव में, प्रशासन में जो योगदान देता, डिसीजन
जो लिए जाते हैं उनके अंदर जो इंटरफेयर करता होता है नगर अंश, यानी ये तीन हमारे पास अलग अलग ग्रुप हो गए जो कि एडमिनिस्ट्रेशन में सहायता करते थे। पहला गांव के विलेजर्स के जो वो कौन से द पीजेंट्स किसान वर्ग से, दूसरा ब्राह्मण और तीसरा व्यापारी वर्ग। अब इनको जो जमीन दान दी गई थी उनके अलग अलग नाम, जैसे ब्राह्मणों को ब्रह्म दे, उसके बाद वेलन वेगाई, ये किसके लिए, तो नॉन ब्राह्मण के पास जमीन थी उस जमीन को बोला जाता वेलन वेगाई। उसके बाद साला भोग पाठशाला, क्योंकि हम शिक्षा के लिए पाठशाला स्कूल के लिए इस्तेमाल करते हैं साला भोग, तो स्कूल के मेंटेनेंस के लिए जमीन जाती वो साला भोग। उसके बाद देवदान, जो मंदिरों को दान दी जाती, देव जो मंदिरों के लिए दान दी जाती उसको देवदान। और उसके बाद था पहली चंदन, पहली चंदन किसको, जैन इंस्टीट्यूशन से, जो जैन हमारे संस्थान थे उनको दान दी गई। अलग अलग जमीन जिनको दान दी जाती या प्रोवाइड कराई जाती राजा के द्वारा उनके अलग अलग नाम थे। अब ये सारी डिटेल हमें कहां से मिलती है, ये सारी डिटेल हमें मिलती है एक उत्तरे मेरूर, ये चिंगलपुर डिस्ट्रिक्ट है तमिलनाडु का, वहां एक इंस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन समथिंग विच इज रिटन ऑन हार्ड सरफेस, यानी स्टोन वगैरह पर मेटल वगैरह पर लिखा जाए वो हमारे क्या है इंस्क्रिप्शन। तो ऐसी एक इंस्क्रिप्शन मिली हमें कहां से, उत्तरे मेरूर डिस्ट्रिक्ट है, उत्तरे मेरूर जगह है चिंगलपुर डिस्ट्रिक्ट में, कहां तमिलनाडु में, वहां उसमें इन सब का वर्णन है। उसमें क्या है, एक सभा होती थी जो सारे डिसीजन लेती थी एडमिनिस्ट्रेशन संबंधित, और उसके अंदर अलग अलग कमेटीज होती थी, कौन सा इरिगेशन का काम देखी, कौन सा टेम्पल्स का काम देखेगी, कौन सी जो बाकी जमीन ग्रांट दी जाती है उनके बारे में सोचेगी। तो ये हमारे पास क्या थी, उत्तरे मेमूर में जो हमें जो मिली एक इंस्टीट्यूशन, उसमें वर्णन था इन सारी चीजों का, अलग अलग कमेटियां कैसे काम करती थी। अब वो सभा थी उसके मेंबर बनने के लिए क्या क्या कंडीशन थी वो भी उसके अंदर मेंशन है, कि अगर किसी को भी कोई मेंबर बनना है उन सभा का, उन कमेटीज का, तो उनके लिए क्या कुछ क्वालिफिकेशन होगी। तो उसमें वो जो सभा होती जिसमें अलग अलग कमेटी उसका मेंबर बनने के लिए क्या था, ओन होम, खुद का घर हो, यानी ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हो जिसके पास रहने की जगह नहीं हो, खुद का घर हो, जिसकी उम्र 35 से कम और 70 से ज्यादा ना हो, एज बिटवीन 35 टू 70, देन आफ्टर दे मस्ट हैव द नॉलेज ऑफ वेदास, उनको वेदों का ज्ञान हो, देन आफ्टर दे मस्ट बी वेल वर्स्ड इन एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज ऑनेस्ट, वो ईमानदार भी हो और प्रशासन का ज्ञान हो, देन आफ्टर इफ दे वर द मेंबर ऑफ एनी कमेटी इन द लास्ट 3 इयर्स दे कांट बी द मेंबर अगेन विद इन दोस 3 इयर्स, अगर कोई व्यक्ति पिछले 3 साल में भी कभी मेंबर रहा तो दोबारा वो मेंबर नहीं बनेगा किसी भी कमेटी का, किसी भी सभा की कमेटी के अंदर। तो ये सारी कंडीशंस लगाई गई थी उन सभाओं में अलग अलग कमेटी के मेंबर बनने के लिए। हालांकि ये तो सारी हमारे यहाँ प्रशासन की जो नियुक्ति थी उसके बारे में, एक और वहां इंस्क्रिप्शन थी उसमें सामान्य जीवन के बारे में दे रखा है, सामान्य व्यक्ति उनके जीवन के बारे में दे रखा है। उसी प्रकार लास्ट में अगर आप बुक में देखोगे तो एक टैंग डायनेस्टी, ये चाइना की एक डायनेस्टी के बारे में, 300 साल तक लोगों ने चाइना में शासन किया। तो आज हमारा जो एग्जाम का पैटर्न चाइना में बहुत पहले इंट्रोड्यूस हो गया था, उस टाइम पर प्रशासन चलाने के लिए वहां एग्जाम होता था, हमारी तरह जाति व्यवस्था कुछ थी नहीं, एनीवन कैन बी अपीयर फॉर दैट एग्जाम, कोई उस एग्जाम को दे सकता था प्रशासन में शामिल होने के लिए। वो व्यवस्था काफी लंबे समय तक वहां चली और आजकल भी उसका थोड़ा सा बदला हुआ रूप आज भी हमारे सामने है। तो ये हमारे पास था जो मिडिवल टाइम में हमारे पास किस प्रकार नए राज्य बने, किस प्रकार उनका प्रशासन था, कौन से महत्वपूर्ण राजवंश थे। ये हमारा लेसन इतना ही था, वी आर गोइंग टू प्रोवाइड द क्वेश्चन आंसर लेटर ऑन इन द पीडीएफ फॉर्मेट। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।